गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू योर सोशल स्टडीज क्लासेस। सो वी आर स्टडीइंग हिस्ट्री इन सोशल स्टडीज। ठीक है, तो अप टू चैप्टर नंबर 12 वी हैव कंप्लीटेड, दैट वाज फ्रॉम हंटर्स टू फार्मर्स। यहाँ तक हो गया बच्चों। अब आज हम लोग क्या करेंगे शुरू, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 आज शुरू करें हम लोग। इसका नेम है कैनिंग द फर्स्ट सिविलाइजेशन एंड दैट इज हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हम लोग इस पृथ्वी पे जो पहला सिविलाइजेशन था, ठीक है, जो सभ्यता थी उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और पहली सभ्यता क्या थी, पहला सिविलाइजेशन क्या था, हड़प्पा। चलो आ जाओ, सारे बच्चे बुक ओपन कर लो, पेज नंबर 88 पे आ जाओ सब लोग। पहले पेज नंबर 88 पे आ जाएं, पेंसिल सब लोग लेके बैठेंगे ताकि कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर दें। चलो, द फर्स्ट सिविलाइजेशन हड़प्पा। द यूज ऑफ मेटल बाय द अर्ली मैन चेंज द स्टैंडर्ड ऑफ हिज लिविंग फॉर एवर। तो क्या हुआ, जब मैन ने क्या किया, मेटल को यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड था, जो उसकी जिंदगी जीने का तरीका था, वो क्या हो गया, चेंज हो गया। दिस ऑल्सो मार्क द एंड ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड और द लास्ट फेज ऑफ द स्टोन एज। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में क्या पढ़ा था, अबाउट न्यूलिथिक एज, दैट वॉज न्यू स्टोन एज। ठीक है, उसमें क्या किया, मैन ने पॉटरी मेकिंग करने लगे वो लोग, है ना, अपने खाना को जो स्टोर करने के लिए बड़े बड़े पॉट्स थे वो सब बनाने लगे। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा न्यूलिथिक एज खत्म हो जाता है। अब हमारा फर्स्ट सिविलाइजेशन आएगा, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन कहलाएगा। एज लॉन्ग एज मैन वॉज डिपेंडेंट अपॉन स्टोन टूल्स ही वॉज लिमिटेड इन द काइंड ऑफ वर्क ही कुड डू। ठीक है, तो स्टोन एज में क्या होता था, मैन किस चीज़ पे डिपेंडेंट था अपने काम को करने के लिए, स्टोन पे वो निर्भर करता था। लेकिन जैसे ही ये एज खत्म हो जाता है, अब क्या होगा, स्टोन टूल्स ब्रोक इजली, चूँकि क्या होता है, स्टोन से जो भी टूल्स बनता था, जो भी वेपन्स बनते थे, वो क्या हो जाते थे, टूट जाते थे आराम से। टू मेक बेटर टूल्स मैन नीडेड लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल्स दैट कुड बी मोल्डेड इजली इनटू डिफरेंट शेप्स। अब मजबूत हथियार बनाने के लिए मैन को क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, व्यक्ति को ऐसे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती थी जो कि बहुत ही मजबूत हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब उनका जीवन क्या हो, लंबा हो, मतलब वो जल्दी टूटे ना, और उनको इजीली हम लोग मोल्ड कर सकें, मोड़ सकें अलग अलग शेप्स में। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोन एज मैन फाउंड मेटल्स टू मेक बेटर टूल्स। और जैसे जैसे स्टोन एज ख़त्म होता है, मैन ने क्या शुरू कर दिया, अच्छे टूल्स बनाना शुरू कर दिया। चलो, तो अब स्टोन एज के बाद कौन सा एज आएगा, मेटल एज। स्टोन एज को हम लोग स्टोन एज क्यों कहते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो टूल्स होते थे, जो वेपन्स होते थे, वो मैन के द्वारा, मैन किन चीज़ों की मदद से बनाते थे, स्टोन से। और अब इनको किन चीज़ों से, किन चीज़ों की मदद से बनाया जाएगा, मेटल्स। इसको क्या लिखोगे, मेटल एज। इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट कैल्कोलिथिक एज 4000 to 3000 BCE। देखो इसमें क्या था, अब सबसे पहले हम लोग मेटल एज पढ़ेंगे, कैल्कोलिथिक एज। फर्स्ट वन द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय मैन वॉज कॉपर। अंडरलाइन करिए, सबसे पहला मेटल जो कि व्यक्ति मैन ने यूज इस्तेमाल किया, ह्यूमन बींग ने इस्तेमाल किया, वो कौन सा था, कॉपर। वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न दिस। द पीरियड ड्यूरिंग विच मैन यूज बोथ कॉपर एंड स्टोन टूल्स इज कॉल्ड कैल्कोलिथिक एज। कैल्को मीन्स कॉपर, कैल्को मीन्स क्या होता है, कॉपर। तो वो पीरियड जब कॉपर का भी इस्तेमाल किया मैन ने और स्टोन का भी इस्तेमाल किया, उसको हम लोग कैल्कोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। इट मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टोन एज टू द एज ऑफ मेटल्स। यहीं से जो मैन था वो स्टोन एज से
मेटल एज में चेंज होने लगा, मतलब स्टोन की जगह वो मेटल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स फ्लरिश इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इनाम गांव इन महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैल्कोलिथिक साइट्स। ठीक है, तो इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, ये कैल्कोलिथिक साइट्स में से एक बेस्ट साइट है, वहाँ पे हमको इसका प्रमाण मिलता है। चलो अब कैल्कोलिथिक के बाद क्या आ गया, ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज कब से कब तक था, 3000 to 1200 BC, when man experimented mixing copper with tin and he invented bronze। ठीक है, तो जब मैन ने कॉपर को टिन के साथ मिक्स किया तो एक अलॉय फॉर्म हो गया जिसका नेम क्या था, ब्रॉन्ज। दिस इज हाउ ब्रॉन्ज एज बिगन, और यहीं से ब्रॉन्ज एज आपका बिगिन हो जाता है, शुरू हो जाता है। ब्रॉन्ज इज हार्डर दैन कॉपर। अब ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर से हार्ड है, टफ है, मतलब मजबूत है ज़्यादा। सो इट बिकेम मोर यूजफुल देन कॉपर टूल्स, इसलिए ये कॉपर टूल से ज़्यादा अच्छा, वो ज़्यादा यूजफुल बन गया इन क्लियरिंग फॉरेस्ट, जंगलों को साफ करने के लिए, डिगिंग पिट्स, ठीक है, गड्ढे खोदने के लिए, एंड प्लाविंग फील्ड्स, और फील्ड्स को प्ला करने के लिए, दैट मीन्स जोतने के लिए खेतों को। द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन मेसोपोटामिया, इजिप्ट, अंडरलाइन करेंगे। कहाँ कहाँ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन फ्लरिश किए, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली एंड चाइना। एक्सेस एंड नाइव्स मेड ऑफ कॉपर और ब्रॉन्ज हैव बीन फाउंड इन मैनी प्लेसेज इन इंडिया। ठीक है, तो एक्सेस और नाइव्स जो कि कॉपर और ब्रॉन्ज के बनाए गए थे, वो भारत में बहुत जगहों पर पाए गए हैं। ब्रह्मगिरी नियर मैसूर एंड नवाड़ा टोली ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर आर सम ऑफ द मेन साइट्स। चलो ब्रॉन्ज एज के बाद क्या आएगा, आयरन एज। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। Among all the metals discovered earlier, iron was the strongest and most long-lasting. अब आयरन, आप लोहे को जानते हो ना कितना मजबूत होता है, तो जितने भी मैन ने जितने भी उस टाइम पे डिस्कवरी की मेटल्स को लेकर के, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा मेटल था, आयरन। The Iron Age began in India with the Indo-Aryans. A new civilization spread in northern India known as the Vedic Age. In southern India also, iron began to be used extensively. तो एक नया जो था वैदिक एज आपका शुरू हुआ नॉर्दर्न इंडिया में। वैदिक एज वो था जब वेदों को लोग जानना शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है। और सदर्न इंडिया में क्या था, वहाँ पे भी आयरन का बहुत भारी मात्रा में इस्तेमाल शुरू हो गया। चल कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन। चलो कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस के बारे में जानेंगे। अ पैटर्न फॉलोड बाय पीपल इन देयर लाइव्स इज कॉल्ड कल्चर। ठीक है, तो कोई भी पैटर्न के साथ जो लोग रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसको हम लोग कल्चर के हिसाब से, कल्चर के नाम से जानते हैं। इट रेफर्स टू द वे ऑफ लाइफ। क्या होता है, वे ऑफ लाइफ को रेफर करता है कि ज़िंदगी किस प्रकार से वो लोग जीते हैं, किस भांति जीते हैं। Social relations, rituals, language, tools and pottery are all specifics of a culture. ठीक है, social relations, आप society में लोगों के साथ आपका कैसा relation है, rituals जो आप follow करते हो, जो norms, traditions आप follow करते हो, जो language आप बोल रहे हो, ठीक है, tools और pottery जो भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, वो सब क्या है, वो हमें किसी भी specific culture के बारे में बताते हैं। When we call people hunter gatherers or holders or farmers, वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू अ कल्चर विच दीज पीपल फॉलो। ठीक है, तो हम लोग जब हंटर, फार्मर्स और गैदरर्स के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग किस कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट हंटिंग, अबाउट गैदरिंग्स। ठीक है, सिविलाइजेशन, दिस मीन्स दैट इन अ स्मॉल रीजन देयर कुड बी मैनी टाइप्स ऑफ कल्चर। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी छोटे से छोटे जगह में भी बहुत अलग अलग तरीके के कल्चर्स हो सकते हैं।
Civilization is a broad term which includes many things. The comforts of city life, the development of trade and commerce, the art of writing and a good system of government. Full stop. क्या लिखा है? Civilization is a broad term. अब देखो, culture हमारे लिए एक group of society के लिए आ गया, ठीक है? लेकिन अगर civilization की हम बात करते हैं, तो ये एक broad term है. ब्रॉड टर्म मतलब बड़ा कैसे बना, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी. कंफर्ट्स ऑफ सिटी लाइफ, ठीक है, शहरों में रहने की जो कंफर्ट है अपनी, जो आराम के तरीके से आप लोग रह सकते हो, ये भी इसमें आ गया. द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, किस तरीके से व्यापार बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, ये भी आ गया इसमें. आर्ट ऑफ राइटिंग एंड अ गुड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लिखने की कला और जो गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो किस तरीके से रूल कर रही है, ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है. इन अ रीजन ओनली अ स्पेसिफिक सिविलाइजेशन कैन फ्लरिश, ठीक है, तो एक रीजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कल्चर, एक ही सिविलाइजेशन, स्पेसिफिक सिविलाइजेशन ही फ्लरिश कर सकती है. पीपल हैव सिमिलर व्यूज, कस्टम्स, बिलीव्स एंड वे ऑफ लाइफ फॉर्म अ सिविलाइजेशन, तो वो लोग जिनके सिमिलर व्यूज़ हैं, ठीक है, जिंदगी जीने के सिमिलर तरीके हैं, उनकी अपनी सोच ही एक तरीके की है, ठीक है ना, कस्टम्स, ट्रेडिशंस उनके एक तरीके के हैं, उनके बिलीव्स एक तरीके के हैं, तो वो सब क्या फॉर्म करेंगे सिविलाइजेशन. चलो अब आ जाओ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडस वैली About 5,000 years ago, the largest Bronze Age civilization in the world emerged in the northwest part of the Indian subcontinent. Since this culture was born in the valley of the Indus River, it came to be known as the Indus Valley Civilization. देखो 5,000 साल पहले की बात करते हैं अगर हम, तो जो Bronze Age civilization था, जो सबसे biggest Bronze Age civilization था पूरे विश्व में, वो कहाँ पे हुआ? Northwest part, Indian subcontinent के northwest part में हुआ. चूँकि ये कल्चर जो था वो इंडस रिवर के नज़दीक ही पाया गया था, इसीलिए हम लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं. द फर्स्ट सिटीज़ दैट वर डिस्कवर्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस वर हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो, तो पहले जो शहर थे जो कि इंडस रिवर के नज़दीक पाए गए थे, जो हमें कल्चर मिलता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कौन से दो जगह थे वो, हरप्पा और मोहनजोदड़ो. लेटर मोर सिटीज़ वर डिस्कवर्ड इन प्लेसेस अवे फ्रॉम द रिवर, ठीक है, और भी बाद में और भी सारे बहुत सारे शहर हमको मिलते हैं. सिंस द रिमेन्स फाउंड एट ऑल दी साइट्स वर सिमिलर टू दोज फाउंड एट हरप्पा, दे वर ऑल कंसिडर्ड टू बिलोंग टू वन सिंगल सिविलाइजेशन नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन. अब आर्कोलॉजिकल साइट्स के बारे में आप जानते हो ना, उसमें क्या होता है, बरियल्स से हम लोग पता लगाते हैं कि किस सभ्यता की चीज़ें हैं, तो जो रिमेन्स है, जो बची कुछ चीज़ें हैं, जो फॉसिल्स है, वो हमें क्या मिलती हैं, वो जो बाद में पाई गई उन जगहों पर भी हरप्पन सिविलाइजेशन के तरीके से ही मिलती हैं, तो वो सब हम समझते हैं कि सब जो हरप्पन सिविलाइजेशन का ही पार्ट है. मैनी मोर साइट्स वर एक्सकेवेटेड लेटर, देखो अमंग देम वर कौन कौन सी जगह थे, रोपर एंड संघौल इन पंजाब, अंडरलाइन कर लीजिए, बनावली एंड राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश, कालीबंगन राजस्थान में, लोथल, रंगपुर, ढोलावीरा और रजौड़ी इन गुजरात, ये सब क्या है, हरप्पन सिविलाइजेशंस के साइट्स हैं. द वर्ड हरप्पा मीन्स द फूड ऑफ लॉर्ड शिवा, तो हरप्पा का मतलब क्या होता है, फूड ऑफ लॉर्ड शिवा, शंकर भगवान का खाना. चलो इसको अंडरलाइन कर लो. इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखिए आपका यहाँ पे मैप बना हुआ है. अब यहाँ पे देखो जो रेक्टेंगल्स हैं पिंक कलर के, वो मेजर सेंटर्स आपको दिखा रहा है, हरप्पा और मोहनजोदड़ो, ये पिंक एंड पिंक, मोहनजोदड़ो और हरप्पा जो मेजर सेंटर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो आपको शो किया. अदर सिटीज़ देखो, जैसे अदर सिटीज़ जो है, गुमला हो गया, पारियोनो हो गया, पेशावर जो कि पाकिस्तान में है अभी, है ना,
रोपड़, चंडीगढ़, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, ये सब हो गया आपका, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पे है, पूरा आपको येलो से शो किया गया, मतलब ये सारे में आपका इंडस वैली सभ्यता ही बसी हुई थी। प्रेजेंट इंटरनेशनल बाउंड्री, और इस टाइम पे जो प्रेजेंट इंटरनेशनल बाउंड्री है मतलब यहाँ तक बस भारत है ना, ये ब्लैक आउटलाइन है, और इसके बाहर सब क्या है, इसके बाहर अदर नेशंस। मेन फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मेन फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और उसमें सबसे पहला क्या हो गया, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब जो वहाँ पे बना हुआ था एक्सकेवेशन के दौरान जो अलग अलग तरीके की साइट्स थी वहाँ पे से जो निकला आर्किटेक्चर क्या था। देखो द इंडस वैली सिविलाइजेशन और दी हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टराइज बाई सर्टन कॉमन फीचर्स विच सेट इट अपार्ट फ्रॉम अदर कल्चर्स ऑफ दोज टाइम्स। आर्किटेक्चर द सिटीज ऑफ दी हरप्पन सिविलाइजेशन वर वेल प्लान्ड, ठीक है। जो शहर मिलते हैं हमको हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं जानते हैं तो क्या मिलते हैं, वो वेल प्लान्ड होते थे उस टाइम पे। दिस हैज़ बीन प्रूव ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन एट वेरियस साइट्स, अलग अलग जगहों पर खुदाई की गई तो हमें इससे प्रूफ हमको मिलता है। द जनरल लेआउट ऑफ ऑल हरप्पन सिटीज इज द सेम, जो जनरल लेआउट है सारे हरप्पन सिटीज का वो लगभग लगभग सेम है। चलो टाउन प्लानिंग पे आ जाओ। प्लानिंग वॉज द मार्क ऑफ द हरप्पन कल्चर। देखो जो टाउन प्लान किया गया था वो बहुत ही सिस्टमैटिक था, ठीक है, वेल अरेंज्ड था। द सिटीज कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इन टू पार्ट्स, सिटाडल एंड द लोअर टाउन। जो सिटीज थी उनको दो पार्ट्स हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, पहला क्या है सिटाडल। टाउन प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया सिटाडल। अपर पार्ट ऑन द वेस्ट ऑफ ईच सिटी वॉज बिल्ट ऑन अ रेज्ड ग्राउंड, ठीक है। तो इस जो आपका सिटाडल में आपको कैसे आपको जगह मिलेगा, वो रेज्ड ग्राउंड मतलब जमीन की ऊंचाई पे से वो शहर बना हुआ था, उसी को हम लोग सिटाडल के नाम से जानते हैं। द सिटाडल वॉज सराउंडेड बाई हाई वॉल्स विच प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फ्लड्स, ठीक है। तो सिटाडल जो था उसको भारी भारी दीवार से वो बनाए गए थे ताकि वहाँ पे बाढ़ जब आए तो उसका क्या हो सके, उन लोगों का प्रोटेक्शन हो सके। इट कंटेन्ड पब्लिक बिल्डिंग्स, रीजनल स्ट्रक्चर्स एंड ग्रीनरीज। पब्लिक बिल्डिंग्स उसमें थी, रीजनल स्ट्रक्चर्स थे जहाँ पे लोग पूजा पाठ करते थे, और ग्रीनरीज थी जहाँ पे अपना खाने पीने का सामान स्टोर करके रखते थे। प्रोबेबली द रूलिंग क्लासेज लिव्ड हियर, तो यहाँ पे क्या हम लोग को समझ में आता है कि यहाँ पे रूलिंग क्लासेज रहते होंगे। ग्रीनरीज में क्या है, सेकेंड क्या हो गई आपकी ग्रीनरीज। सीधा डर हम लोग क्या करने वाले हैं ग्रीनरीज। सिटाडेल में किस प्रकार की ग्रीनरीज थी वो जानेंगे। सरप्लस ग्रेन्स वर स्टोर्ड इन द ग्रीनरीज, हमने बताया ना आप लोगों को जहाँ पे अपना अनाज वगैरह लोग स्टोर करके रखते थे उसी को हम लोग ग्रीनरी के नाम से जानते हैं। तो अगर अनाज ज़्यादा पैदावार हो जाती थी उसकी तो वो लोग इसको बटोर के स्टोर करके वहाँ पे रख देते थे। इन मोहनजोदारो द ग्रीनरी वॉज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। मोहनजोदारो में जो ग्रीनरी है वो उसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्ट्रक्चर मोहनजोदारो में है। हाउएवर इन हरप्पा देयर वर एज मेनी एज सिक्स ग्रीनरीज, और हरप्पा में छः ग्रीनरीज हमको मिलती हैं। देयर वॉज अ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म विच वॉज यूज फॉर थ्रेशिंग ग्रेन्स, ठीक है। तो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है ईटे का, जिस पर ग्रेन्स को थ्रेश किया जाता था, पटक करके उसमें से अनाज को अलग किया जाता था। दिस वॉज प्रूव वेन सम ब्लैक एंड व्हीट एंड बार्ले ग्रेन्स वर फाउंड इन द क्रिवाइसेस ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये हमको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर ही थ्रेश किया जाता था, क्योंकि कुछ ब्लैक एंड व्हीट और बार्ले ग्रेन्स वहाँ से हम लोगों को मिलते हैं, ठीक है। दिस वॉज एनफ प्रूफ दैट दी हरप्पाज ग्रू वीट एंड बार्ले, और इससे हम लोगों को प्रूफ हो जाता है कि हरप्पा भी हरप्पा सिविलाइजेशन के लोग वीट और बार्ले को ग्रो करते थे, उसको उसके प्लांटेशन को करते थे।
द ग्रेट बाथ. अब इसमें क्या पढ़ोगे? द ग्रेट बाथ. द जीनियस ऑफ द इंडस वैली पीपल कैन बी सीन थ्रू द मार्वल ऑफ पेंटिंग एंड इंजीनियरिंग ऑफ द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदाड़ो. देखो मोहनजोदाड़ो फिल्म भी है, ठीक है. अब उसको देखोगे तो उसमें आपको बहुत तरीके से पता चल जाएगा कि उस टाइम पे क्या सभ्यता थी. तो देखो, तो जीनियस जो माइंड के लोग, जो जीनियस माइंडेड पीपल थे उस टाइम, इस टाइम पे यहाँ पे प्रूव करता है कि जो ग्रेट बाथ सेंटर बनता था उसमें, मोहनजोदाड़ो में, उसमें किस तरीके से पानी को स्टोर करने के लिए वो जगह बनाया गया था ताकि वहाँ पे नहाया जा सके अच्छी तरीके से. तो ये हमें ये दिखाता है कि उस टाइम के लोग जो थे उनका माइंड जो था वो कितना जीनियस था और वो इंजीनियरिंग भी वो जानते थे. द ब्रिक्स वर फिटेड टाइटली एंड अ थिक लेयर ऑफ नेचुरल टार वॉज अप्लाइड टू स्टॉप द सीपेज. जो ब्रिक्स थे उनको क्या किया जाता था, अच्छे से फिट किया गया है उसमें, और थिक लेयर ऑफ नेचुरल टार, ठीक है, नेचुरल टार उस पर थिक लेयर लगा दिया गया है, अप्लाई कर दिया गया है ताकि वहाँ से पानी का रिसाव ना हो. द फ्लोर ऑफ द बाथ हैड फाइव लेयर्स टाइटली पैक्ड विद ब्रिक्स एंड मॉर्टर. और जो फ्लोर ऑफ द बाथ है, जो ज़मीन है, उसको किससे, कैसे पैक किया गया है, फाइव लेयर्स से ईंटे का और मॉर्टर से उसको दबा करके क्या किया गया है, उसको अच्छे से टाइट किया गया ताकि वहाँ से पानी कहीं से इधर उधर दिसे ना. द एंटायर स्ट्रक्चर इज सो वाटर टाइट दैट इट होल्ड्स वाटर इवन टूडे. ठीक है, तो ये इतना वाटर टाइट स्ट्रक्चर कि ये आज भी यहाँ पे पानी है. इट इज़ अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर रिजेम्बलिंग अ स्विमिंग पूल. ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर का होता था, देखिए फिगर बना हुआ है द ग्रेट बाथ का, ये एक स्विमिंग पूल की तरह हमें दिखता है. इट माइट हैव बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस बेथिंग रिचुअल्स. ठीक है, तो जो धार्मिक आप लोग स्नान करते हो ना उसके रिचुअल्स के लिए ही इस ग्रेट बाथ का इस्तेमाल किया जाता होगा. ठीक है, द टैंक ऑफ द ग्रेट बाथ मेजर्ड 11.88 इंटू 7.1 मीटर्स विच वॉज 2.43 मीटर्स डीप. ठीक है, तो जो ग्रेट बाथ का जो टंकी है, जो टैंक है, वो किस तरीके से मेजरमेंट आप लोग करोगे तो कितना कितना है, उसकी लेंथ है 11.88 और ब्रेथ है 7.1 मीटर और उसकी गहराई कितनी है, डीप कितना है, वो 2.43 मीटर्स. चलो टाउन हॉल पे आ जाओ. ग्रेट बाथ के बाद क्या आ गया, टाउन हॉल. इट वॉज अ लार्ज बिल्डिंग विच लुक लाइक एन असेंबली हॉल फॉर द पीपल टू मीट. तो ये एक बड़ी सी बिल्डिंग के तरीके से हमें समझ में आता है, यहाँ पे लोगों का क्या होता होगा, संगठन होता होगा, मीटिंग होती होगी. अ पैलेस लाइक बिल्डिंग हैज ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड. और इसलिए एक पैलेस जैसी बिल्डिंग को भी और अभी डिस्कवर किया गया है. परहैप्स इट वॉज द गवर्नर्स हाउस, जहाँ पे गवर्नर रहते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है. ठीक है, उस टाइम के कोई व्यक्ति तो बचे नहीं है कि वो हमें करेक्ट चीज़ें बताएंगे, तो हम लोग सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ आवर फाइंडिंग्स इन चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं. ओके क्लास, सो विद दिस वी आर एंडिंग विद दिस सेशन, विद दिस पार्ट ऑफ योर चैप्टर, एंड फर्दर मोर वी विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट क्लास. ओके क्लास, थैंक यू.